फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कसरावत में साइकिल रैली निकाली गई। एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने भी साइकिल चलाई और नर्मदा घाट पर श्रमदान किया। फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अंतर्गत रविवार को विकास खंड स्तरीय साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जो कसरावत के उत्कृष्ट विद्यालय से शुरू होकर नर्मदा तट नावड़ा तोड़ी घाट पर पहुंची। इस रैली में एसडीएम संघप्रिय, तहसीलदार राहुल सोलंकी, सीएमओ संजय रावल, जनपद पंचायत सीईओ मोहन सिंह वास्कले सहित शिक्षक और विद्यार्थियों ने 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर नर्मदा तट के ग्राम नावड़ा तोड़ी स्थित घाट पर पहुंचे, जहां अधिकारी सहित छात्र छात्राओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता के अभियान में कसरावत एसडीएम सहित शामिल साइकिल यात्रियों ने श्रमदान किया। कार्यक्रम के बाद एसडीएम ने घाट के आसपास लगी सभी दुकानों से साफ सफाई रखने के लिए कहा, तो वहीं ग्राम पंचायत को निर्देशित किया कि घाट के आसपास गंदगी ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। सर, ये क्या इवेंट था आज सब लोग इकट्ठे हुए? आज जैसा कि पूर्व में आप सभी को बताया गया था कि एक आज फिट इंडिया के तहत हम सबका जनपद स्तरीय सभी विभागों के समन्वय से एवं छात्र छात्राओं के समन्वय से एक हमने साइकिल रैली निकाली है, जो शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करके आज हम सब लोग नवदा तोड़ी घाट पर एकत्र हुए हैं। ये बहुत ही एक हमें लगता है सभी के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा, एक ये प्रेरणा स्रोत था, एक मार्गदर्शन था सभी के लिए कि एक फिट इंडिया कितना आवश्यक है। इस स्वच्छ वातावरण में माँ नर्मदा के किनारे हम सभी ने एक बढ़िया अच्छा नाश्ता किया, एक जो अनुभव किया, जो सारी थकान हमें लगता है जिन्होंने पहली बार भी साइकिल चलाई होगी उनकी सारी थकान मिट गई होगी। तो इस तरह के कार्यक्रम एक हम सबको आगे बाकी ऑफिस के कार्यों को भी करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके लिए मैं सीओ साहब और सीएमओ साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और शिक्षा विभाग के निर्देशन में पूरा ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। बच्चों का मैं उत्साहवर्धन करता हूँ कि बच्चे एक उनके लिए भी एक अनुभव रहा होगा, एक पिकनिक की तरह रहा होगा कि वो सब नर्मदा किनारे आए और इतना उत्साहित दिखे। तो एक बहुत ही सफल आयोजन रहा कार्यक्रम का। इसके उपरांत हम सभी लोग अभी स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे जिसमें सभी लोग साफ़ सफाई करेंगे। तो एक ओवरऑल एक ये स्वच्छ भारत और एक फिट इंडिया दोनों का समन्वय एक कार्यक्रम था। थैंक यू सर। देखे जैसा कि देखा गया आज के बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर में इतने उलझे हैं कि फिजिकली गेम्स से दूर होते जा रहे हैं, तो क्या इस तरह के कार्यक्रम और आगे जारी रहेंगे? बिल्कुल, आप सभी के सहयोग से ये हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे थे कि इस तरह के कार्यक्रम जनपद स्तर पर बहुत ही ज़रूरी हैं। एक विभागीय समन्वय को भी इनफॉर्मल रूप से एक अच्छा बढ़ाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि विभिन्न अवसरों के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम और विशेषकर अपने पास इतना अच्छा स्थान है तो हम नियमित रूप से करते रहें। सर, जैसा कि आपने देखा कि बहुत सुंदर घाट है, तो क्या कोई आपके दिमाग में और कार्य योजना है जिससे हम इससे लाभान्वित हो सके नवड़ा तोड़ी घाट? नहीं, बिल्कुल है। मैं तो इनफैक्ट जो जो जन सहयोग के लिए एक आगे बढ़कर आने की कोशिश करता है मैं उनसे कहता हूँ। मैं इसी अवसर पर ये संकेत भाई गुजराती जी का भी धन्यवाद दूंगा, वो आज हम सबको 2 बेंच यहाँ प्रदान कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, मैं कसरावत वासियों से भी अपील करता हूँ कि अगर जन सहयोग के तहत अपने घाट के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो आप प्रशासन से मिलकर, प्रशासन का सहयोग करके, अपना सुझाव देकर, अपना योगदान देकर बिल्कुल घाट के लिए कर सकते हैं। बाकी मैं विभागीय स्तर पर भी ऊपर कलेक्टर मैडम और सीओ साहब से भी बात कर रहा हूँ कि अगर वहाँ से कुछ हमको फंडिंग मिल जाए तो हम और इसको अपने घाट को बेहतर करा सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।